शरद यादव अब हमारे बीच नहीं है। 75 साल की उम्र में किडनी की समस्या से जूझते हुए गुरुग्राम के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शरद यादव भले ही हमारे बीच अब ना हो, लेकिन उनके राजनीतिक सफर को, उनके व्यक्तित्व को हर कोई याद कर रहा है और अपने अपने अनुभव साझा कर रहा है। शरद यादव न सिर्फ एक बहुत अच्छे नेता रहे बल्कि एक अच्छे वक्ता भी थे। वो कई बार सांसद चुने गए, उन्हें केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। राजनीति में उनका कद काफी ऊंचा था, लिहाजा उनकी बात का बहुत महत्व था। यही वजह है कि वो कुछ भी बोलते थे तो उन्हें लोग सुना करते थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वो 13 साल तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। शरद यादव ने अपने राजनीतिक सफर के दौरान कई बयान दिए। ये बयान कई बार देशहित में रहे तो कई बार विवादों में घिरते हुए नजर आए। अपने भाषणों में शरद यादव ने ऐसी ऐसी बातें कही कि लोगों ने उनकी जमकर आलोचना की। इनमें से कुछ बयान ऐसे भी हैं जो अब भी लोग भूले नहीं हैं। और अब जब शरद यादव हमारे बीच नहीं है तो भी इन बयानों की चर्चा जोर शोर से हो रही है। 2017 की बात है जब शरद यादव जेडीयू से अलग हो गए थे। अलग होने के बाद उन्होंने न सिर्फ नीतीश कुमार पर तंज कसा बल्कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। साल 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान शरद यादव ने एक भाषण के दौरान ये तक कह दिया था कि अगर इस बार चुनाव में नरेंद्र मोदी जीत गए तो उनकी हत्या करवा देंगे। निश्चित तौर पर जैसे ही ये बयान सामने आया तो लोगों ने शरद यादव को सिंपैथी दिखाने के बजाय उनकी खूब आलोचना की थी और उनसे सवाल पूछा था कि वो इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं। शरद यादव ने चुनावी जनसभा में कहा था, इस चुनाव में उनकी जान को खतरा है। अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर दोबारा सत्ता में आए तो उन्हें जेल भिजवा देंगे या फिर गोली मरवा देंगे, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। अब शरद यादव को प्रधानमंत्री मोदी से इतना डर क्यों लग रहा था ये तो वही जाने। बताते चले, देश के प्रधानमंत्री मोदी पर ही उन्होंने टिप्पणी नहीं की थी बल्कि उन्होंने वसुंधरा राजे पर भी तंज कसा था। साल 2018 में वसुंधरा राजे पर टिप्पणी करते हुए शरद यादव ने कहा था, वसुंधरा को अब आराम दो, बहुत थक गई है, बहुत मोटी हो गई है, पहले पतली थी। शरद यादव अक्सर इस तरह के बयानों की वजह से चर्चा में रहे और अपनी फजीहत कराते रहे। साल 2017 में यादव ने कहा था, वोट की कीमत बेटी की इज्जत से बढ़कर है, बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी, वोट बिक गया तो देश की इज्जत जाएगी, वोट आजकल खरीदा और बेचा जा सकता है। शरद यादव इसी तरह से कुछ भी बोल दिया करते थे। अपने बेबाक बयानों की वजह से उनकी कई बार तीखी आलोचना भी हुई। अब जब शरद यादव इस दुनिया में नहीं है तो पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें याद किया। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, पेन बाय द पासिंग अवे ऑफ श्री शरद यादव जी, इन हिज लॉन्ग इयर्स इन पब्लिक लाइफ ही डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ एज एमपी एंड मिनिस्टर, ही वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर लोहियाज आइडल्स, आई विल ऑलवेज चेरिश अवर इंटरेक्शंस, कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली एंड एडमायरर्स, ओम शांति। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शरद यादव के निधन पर शोक जताया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, शरद यादव जी समाजवाद के पुरोधा होने के साथ एक विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, उनके शोकाकुल परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, देश के लिए उनका योगदान सदा याद रखा जाएगा। तो देखा आपने कैसे शरद यादव के विवादित बयान देने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। बहरहाल शरद यादव के जाने के बाद से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। इस वक्त हर कोई यही दुआ कर रहा है कि परिवार को इस दुख से उबरने की शक्ति मिले। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? शरद यादव के बयानों पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।